ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्गीटेक। और आज जिस तरह का आप स्टेटस देख रहे हो स्क्रीन पे, उस तरह का स्टेटस बनाना सीखेंगे हम काइन मास्टर के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है, देन आपको वन बाय वन वाला रेशो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मीडिया पे जाके आपको फोटो इंपोर्ट करना है। यहाँ पे फोटो आपको दो चार डाउनलोड करके रखने हैं और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है सब फोटो को। इस टाइप से फोटो को फुल स्क्रीन कर देना है। और फ्रेंड्स, चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो मैंने जल्दी जल्दी ये फोटो यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगला स्टेप अपना रहेगा, यहाँ पे बॉक्स टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन लगाना है। और यहाँ पे आपको गेट मोड में जाके आपको यहाँ से एक ट्रांजिशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको कौन सा ट्रांजिशन है। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके वाइप पे आना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाइप करके ट्रांजिशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है आपको। इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है सारे में, इस तरीके से सब में अप्लाई कर देना। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो फाइनली मैंने ट्रांजेक्शन ऐड कर लिए हैं, देन आपको यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेना है। यहाँ से आपको एग्जिट होके 9:16 वाला रेशो यहाँ पे ले लेना है। देन यहाँ पे एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम टेम्पलेट इम्पोर्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरह से आपको जितना भी स्टेटस चाहिए उतनी लेंथ बढ़ा लेनी है इसकी। स्टेटस यहाँ पे आपको फिर एक ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो म्यूजिक आइकन है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं ग्रीन स्क्रीन। इस तरह से ले लेनी है, देन आपको नीचे की साइड एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से क्रोमा की इसकी ऑन कर देनी है और आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जैसे ये ब्लैक हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी जो अपन ने वीडियो एक्सपोर्ट किया है वो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे वीडियो लेना है, तो यहाँ पे वीडियो लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे जो अपना बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में बराबर वीडियो को क्रॉप करके आपको बिठा देनी है वीडियो में। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से लेना है आपको और देन आपको क्रॉपिंग में जाना है। वीडियो को क्लिक करके वीडियो पे वीडियो वाली लेयर को क्लिक करके और देन आपको यहाँ पे बॉक्स में फिट करना है, इसको थोड़ा हल्का सा रोटेट करना है। क्रॉप करने के बाद सेफ इसका ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इस तरह से आपको बिठा देना है, ठीक है। तो इतना काम हो गया अपना। देन आपको यहाँ पे एक पार्टिकल वीडियो जो कलरफुल है उसको यहाँ पे ऐड करना है। इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसी को यहाँ से आपको ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। ओवरले करने के बाद यहाँ पे आपको राइट के निशान पे क्लिक करके बाहर हो जाना है। देन आपको वीडियो इस तरीके से देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपने चैनल का या फिर अपना खुद का नाम भी दे सकते हो। देन आपको यहाँ से एक म्यूज़िक ऐड करना है, जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक हो या फिर जिस भी गाने पर आप स्टेटस बनाना चाहते हो वो म्यूज़िक यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर इस तरीके से वीडियो बन जाएगा। तो अब अपना काम हो गया है, तो यहाँ से वीडियो अपन एक्सपोर्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।